सर जी, सर जी, हेलो सर, हेलो, नमस्कार, आइए। वाह, पूरा अपना गैंग है पुराना। हाँ जी, सारे पुराने पापा। कौन लेके आया है सर? कौन लेके आया सर आज का माल? सर यहाँ देखिए राइट में। हेलो सर, ला लो, इधर से ले लो। सुनील बाबू बोलो सर। जी क्या दाढ़ी एकदम हमरे जैसी होती जा रही है, बड़ी बड़ी बना रहे। हमने तो रात रात हमने तो सर एकदम सपाट टाइम मारी है। तो आपने जी हाँ, तो रात मारी है सर, क्योंकि खुजली बहुत होने लगी है। चांद मेरी मेरा वादा है ये। दिया तूने क्या सुन लिया? बूम 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 पीछे हेलो आप जरा ऐसा भाई नाम मेरा भाई, ये नकली गाना गा रहा है। नहीं नहीं उनको झूम बोलो। चलो थैंक यू, हो गया सर। नहीं नहीं सर, सर नहीं, आप चलो 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 चला जी एक मिनट एक मिनट इधर यार हम लोग इन बोला थैंक यू। ये हमारे ओके ओके आइए सर, लगवा दीजिए सर, रिसेट टर्न हो जाइए सर। माइक सर, माइक सर, एला जी सुनील बाजू सुनील सर सर थोड़ा माइक थैंक यू मैम मैम करिए सर, थोड़ा जरा माइक पे करके एक बार थोड़ा एक बार सर एक बार सर एक बार आगे ले लूं आगे वो माइक को मत चला सर ना बोलो एकदम थोड़ा फ्रेम में आ रहे मैडम मैडम जरा थोड़ा प्लीज सर जी एक मिनट खाली एक मिनट सर उनका खाली एक कर दे मैम जरा साइड में मैम जरा मैम जरा इस साइड चलो क्या सेंटर और राइट केला सर जरा सर जरा वो जरा गाने एक बार करेंगे ना सर सर गाना है ही नहीं अभी थोड़ा सर केला जी पता नहीं कहां है दो सर दो सर थोड़ा गुनगुनाए सिर्फ पोज दीजिए बस सर सर पोज बड़बड़ हमें करना है यहां पे भी सर आपके लेफ्ट में यस 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 इसके बारे में जानना नहीं चाह रहे अभी भी यानी कि मीडिया भी जानना नहीं चाह रहा है मीडिया तो ऑफ कोर्स जानना अंदर जाता है लेकिन एज अ ऑडियंस और मैं बोलूंगा कि एज अ फिल्म मेकर इस चीज को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे प्रोड्यूसर साहब का ही है जिसको हमने डेवलप किया है और जब ये फिल्म आएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो चाइल्ड टेररिज्म का सोर्सिंग कहाँ से होता है ये सोर्सिंग हमने उसमें दिखाया जो कि अनाथ आश्रम का बैकग्राउंड है और आज हम लोग इस कैलाश के स्टूडियो में उसका म्यूज़िक मुहूर्त कर रहे हैं। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर अरस साहब हमारे साथ है, मिथिला नाइक है और शांतनु जी है जिस इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नारायणी फिल्म्स के अंडर हम ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम लोग ज़्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि सभी को एक क्यूरियोसिटी लेवल है कि ये जो रैकेट है ये कहाँ से चलता है। ओके तो जब ये फिल्म आएगा तो और ज़्यादा एक्सप्लोर होंगे आप लोग। ओके जी तो मुश्किल है कितना आसान नहीं 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 ये काल्पनिक कहानी नहीं है एक्चुअली ये सच्ची घटना से आधारित कहानी है और इस पर दिक्कतें बहुत है बिकॉज जैसे मैंने बोला कि द वर्ड टेररिज्म आज के दौर में एक बहुत बड़ा अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं वी डोंट नो कि हम लोग घर जाए कि नहीं जाए है ना तो ठीक है हम लोग तो सेफ जोन में रहते हैं ऐसे हम लोग सोचते हैं लेकिन कभी कभी हम लोग सेफ जोन में होते नहीं हैं और जो ये चीज़ जो करता है और आजकल जो आतंकवादी ट्रेन हो रहा है उसका उम्र 12 से 15 साल 16 साल का है जो कि अपने लिए बहुत हम लोग बोलेंगे ना कि घातक है चीज़ तो मुश्किल है बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है लेकिन आना चाहिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कम। देखिए इसमें स्टारकास्ट हमने अखिलेंद्र जी को साइन किया है प्रियांशु चटर्जी हमारे साथ हैं और दीप रंजन राणा साहब भी हमारे फिल्म में काम कर रहे हैं
और बेसिकली ये फिल्म का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि चाइल्ड टेररिज्म को हमको हाईलाइट करके दिखाना था इसमें, एक अनाथ आश्रम का भी हम उसमें लिंकेज दिखाएंगे। और होता क्या है कि बच्चों को ब्रेन वॉश करना बहुत इजी है आज के डेट में, करंट न्यूज़ में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि कैसे आजकल आतंकवादी जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें छोटे बच्चों को सम्मिलित करके वो लोग इधर उधर कुछ कर रहे हैं, तो उस मुद्दे को हम लोग हाईलाइट करते हुए एक नया चीज़ लेकर के आए हैं। इसका मेरे दिमाग में बहुत दिन से थॉट था और इसको सब लोगों के साथ बैठ के हमने अंग्रेज साहब के साथ बैठ के डिस्कस किया तो एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गई और इस चीज़ को हम इस महीने शुरू करेंगे और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। सर साहब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आज जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग होने वाला है किस तरह से गाना कनेक्ट करेगा फिल्म को, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। ये क्या एक्चुअली स्टोरी तो आपको पता चली बहुत अच्छी स्टोरी है, एक नॉवेल्टी है उसमें, सुबोध के काबिल डायरेक्टर हो उनके साथ काम करने एंड वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी। अभी ये जो कैला जी का गाना है वो एक थीम सॉन्ग है हमारा, वो थीम उसके अंदर बहुत कुछ हमें स्टोरी के बारे में पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली स्टोरी का सार उसके अंदर है। बाकी और भी दो गाने हैं, एक आइटम सॉन्ग है, मतलब आइटम सॉन्ग चाहिए इसके लिए डाला हुआ नहीं है, वो सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से आइटम सॉन्ग है, हमने एकदम अलग स्टाइल से रिकॉर्ड किया है जैसे आज के स्टाइल में रिदम भी है, मेलोडी भी मेंटेन की है, और एक बच्चों का एक अलग टाइप का एक सॉन्ग है जो हाइड एंड सीक का सिचुएशनल सॉन्ग है। वैसे तीन बहुत अच्छी सिचुएशन मिली है तो मुझे तो लगता है कि ये जो फिल्म बहुत अच्छा नाम कमाने वाली फिल्म है, क्योंकि सब्जेक्ट और जो हिसाब से सुवर्धन जी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी सुपर हिट फिल्म। आपको सर ने बताया गया होगा कि अनाथ आश्रम पर बेस्ड मूवी है, स्टोरी मैंने भी सुनी बहुत अच्छी लगी है मूवी। मैं चाहती हूँ कि ईच एंड एवरी चाइल्ड ये मूवी देखे, पेरेंट्स भी जाके ये मूवी देखे, बिकॉज पता लगना चाहिए कि जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं या फिर अनाथ आश्रम के बच्चे क्या जी रहे हैं वो हम लोगों ने इस मूवी में दिखाया है। एग्जैक्टली बीइंग अ कलेक्टर वाइफ, मैंने इसमें कलेक्टर वाइफ का रोल किया है जो इसमें प्ले करें के एम, तो इवन फॉर मी मेरा बच्चा होते हुए भी लाइक अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फ्रॉम अनाथ आश्रम वट एवर इट इज़, तो एक अलग सी फील होती है। मेरा ड्रीम था कि मैं अनाथ आश्रम में विजिट करूँ कभी तो, बट माई ड्रीम इज़ गेटिंग फुलफिल्ड राइट नाउ, बस इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।